हाय फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूँ हमारे चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। चलिए साथियों, आज हम आप लोगों को मैथ्स जो है एकदम शुरू से एकदम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। और भी देखिए, बेसिकली ये डिपेंड होगा टेट और सुपर टेट पे। तो देखिए, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हमें चलना है तो पहले वही चैप्टर पढ़ाया जाए जो सबका बेस हो, जो सबका बेस हो। तो चलिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है परसेंटेज। ये सबका बेस है। अगर आप इसको कायदे से समझ लेते हो तो समझ लीजिए आपके कई चैप्टर जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। बेस्ड होता है सब इसी पर। तो देखिए, परसेंटेज हमें पढ़ना है तो पहली बात तो ये जानेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये आया कहाँ से। तो परसेंटेज का निर्माण हुआ परसेंट से। परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत। परसेंट इसका मतलब होता है प्रतिशत। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा तोड़ें तो ये पर, ये सेंट। पर मतलब प्रत्येक, सेंट मतलब सौ, यानी प्रत्येक का सौ, यानी एक का सौ। उसी को हिंदी में तोड़ेंगे प्रतिशत। सत का मतलब सौ, प्रति मतलब प्रत्येक, यानी एक का सौवा, यानी सौ का एक लिया जाए तो एक परसेंट। यानी उल्टा कह सकते हैं कि एक का सौवा भाग परसेंट कहलाता है, एक का सौवा भाग परसेंट कहलाता है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं है। जो जानना है, जो याद रखना है, वो केवल यही याद रखना है कि एक परसेंट बराबर एक बटा सौ, एक परसेंट बराबर एक बटा सौ। अगर ये आप याद रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे से सब कुछ कर ले जाओगे। देखिए, अब जैसे कहा जाए ये एक परसेंट है, तो कहा जाए दो परसेंट, भैया तो कहोगे दो परसेंट का मतलब दो बटा सौ। कहा जाए तीन परसेंट, तो कहोगे तीन बटा सौ। चार परसेंट, कहोगे चार बटा सौ। फिर ऐसे ही कहोगे दस परसेंट, तो दस बटा सौ। 40% तो 40 बटा 100। जितना कहेगा उसका बटा हम 100 लगा देंगे, ये परसेंटेज यानी परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब परसेंट आप निकालोगे। तो देखिए, हमें केवल और केवल यही याद रखना है कि 1% बराबर 1 बटा 100, 1% बराबर 1 बटा 100। तो चलिए, अब यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से आपका इनॉग्रेशन होता है, इस चैप्टर का इनॉग्रेशन शुरुआत होता है। तो शुरुआत ये है कि भाई, अब इसमें दो बातें आती हैं। परसेंट को भिन्न में बदलना हो तब क्या करेंगे, इसी का रिवर्स, भिन्न को परसेंट में बदलना होगा तब क्या करेंगे। तो जानते रहिए, यदि हमें इसमें दो नोट पॉइंट है, आप नोट करके लिख सकते हो या तो मैं सिंबॉलिक रूप में लिख देता हूँ। यदि हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो या बदलना पड़े, तो करते क्या है, उसमें 100 से भाग देते हैं, उसमें 100 से भाग देते हैं। इसी का उल्टा, यदि हमें भिन्न को परसेंट में बदलना होगा, तो कहने का मतलब यदि भिन्न होगा, भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना पड़े, तो कहेंगे भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करते। दो बातें हमने बताई, पहली तो ये, यदि परसेंट को भिन्न में बदलना होगा, परसेंट को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग करते हैं। दूसरी बात ये कि भिन्न को परसेंट में बदलना होगा तो 100 से गुणा करते हैं। क्या चीज़, भिन्न को परसेंट में बदलना होगा तो 100 से गुणा करते हैं। अब चलते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कहा जाए, पहला प्रश्न ये कि 2/5 को, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को
प्रतिशत में बदलिए तो देखिए इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि 2/5, अभी आपको मैं रूल लिखवाया हूँ, नोट लिखवाया था कि ये भिन्न है, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो हमने 100 से गुणा कर दिया तो ये कैंसिल आउट हुआ। देखिए 5 × 5, 5 × 20 = 100, 20 × 40, हम कहेंगे ये 2/5 कितने परसेंट के बराबर है, 40% के बराबर है। कहा जाए, दूसरा प्रश्न कहा जाए कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा सोल्यूशन है, 1/3 है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 × 100, 100/3, 100 में 3 से भाग लगाया तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 33 से ही 1/3% आएगा। अगर जिसको ये नहीं समझ में आता भाई वो लिख देगा 33.33%, दोनों सही है, लेकिन एग्ज़ाम में ये डिपेंड करता है भाई, एग्ज़ाम में ये वाला रूप दिया है कि ये वाला रूप दिया है, इसके ये दोनों आंसर सही हैं, 33.33% या 33 सही 1/3%। अगला क्वेश्चन हम ये कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2/3 को या 4/7 को, चलिए दूसरा करते हैं, 4/7 को प्रतिशत में बदलिए, 4/7 को प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ करना वरना नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है कि 4/7 में 100 से गुणा कर दिया तो ये 400/7, अब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7/35, 7/35 = 5, 0 उतारा तो 7 × 49, 1/57 से ही 1/7%, कितना 57 से ही 1/7%। तो अभी तक हमने ये जाना कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, तो हमने ये जान लिया। आगे जो हम बताएंगे वो हमारा टॉपिक होगा, मतलब इसी का अगला पॉइंट है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, तो जो लोग नोट कर रहे हैं वो उसको नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आगे चलते हैं, जैसे प्रश्न हमसे ये कह दे कि 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए। अगर आप लोगों के माइंड में यार ये सब क्या पढ़ा रहे हैं तो डोंट वरी, इसका यूज आगे होगा, ये सब बेसिक्स है, बिना बेसिक्स जाने आप आगे के सवाल नहीं लगा सकते, अच्छे अच्छे सवाल बिना इसके नहीं आएगा अगर आपको बेसिक्स नहीं आती है तो। जिनको आती है अच्छी बात, दी बेस्ट हैं, जिनको नहीं आती है भाई वो सीख लें, सीखने के बाद ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए ये 25% को भिन्न में बदलना है, तो सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा सोल्यूशन है, हमने बताया है कि नोट लिखवाया हुआ है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं भाई, तो 100 से भाग कर दो 25/100, अब कट पिट रहा है तो काट दो, 25 × 25, 25 × 100, ऊपर 1 = 1, नीचे 4 = 4, हम कहेंगे 25% जो है 1/4 के बराबर है, यानी 25% का भिन्नात्मक मान 1/4 है, 25% का भिन्नात्मक मान कितना है, 1/4 है। दूसरा प्रश्न करते हैं, जिसे कहा जाए हमसे कि 40% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो देखिए ये 40% है, तो चलो भाई 40% है, अभी आपको पता है कि ये परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, भाग दीजिए 20 × 40, 20 × 5 = 100, 2/5, इससे छोटा होगा नहीं। हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम वैल्यू लिखेंगे, मतलब काटने पीटने के बाद एकदम छोटा वैल्यू लिखना है, नहीं को हम इसको लिख सकते हैं 10/40 तो फिर गलत है, या हम 20/50 भी लिख सकते हैं, ये भी गलत है, न्यूनतम वैल्यू लिखेंगे, हाँ इससे ज़्यादा अब ये कटेगा नहीं। और दूसरी चीज़ की फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, किसमें फ्रैक्शन यानी भिन्न पॉइंट में नहीं लिखना है, वो फ्रैक्शन का मतलब ये 3.3 ऐसे आ जाए, 0.2 आ जाए ऐसे, ये सब नहीं लिखना है, बटे में लिखना है। अगला, हाँ अगला जो क्वेश्चन है वो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देने लायक है, जिसे कहा जाए कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलिए,
तो देखिए करना क्या है, हमसे पूछा है कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलना है। याद रखिएगा कि जब कभी परसेंट इस रूप में आए और हमें भिन्न के रूप में लिखना हो तो पहला काम ये करेंगे कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, पहले इसको सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न में तोड़ेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए सिंपल भिन्न तोड़ने का लॉजिक सबको पता है, सब कोई जानता है, सबको भिन्न वगैरह आता है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये 3 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 * 99 = 100, तो हो गया 100/3 ये परसेंट। अब देखिए ये भिन्न में हो मतलब ये सही बटे में रूप में हो, जो भी हो गया बटे में रूप के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है लेकिन ये परसेंट हटाना है। वैसे तो भिन्न दिख रहा है लेकिन यहाँ परसेंट लगा है, इस परसेंट को हटाना है। तो इस परसेंट को कैसे हटाया जाएगा, देखिए सिंपल लॉजिक क्या है। अभी आपको बताया गया था कि भाई 25% है, 100 से भाग दे दो, तो इसमें भी क्या करो कि 100 से भाग दो। फिर बात आती है यार इसमें यहाँ 100 से भाग दें कि यहाँ 100 से भाग दें, तो इस टाइप में आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसी में गुणा कर देना, वो भाग मान लिया जाएगा। अब देखो ये 100 से 100 कटा 100 = 100, ये 100 = 100, ऊपर 1 बचा, नीचे 3, यहाँ भी 1 बचेगा, 3 = 1 = 3, तो 1/3, 33 सही 1/3% 1/3 के बराबर है। एक चीज़ याद रखिए, कुछ वैल्यू को आप याद रखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हो तो कुछ वैल्यू को याद रखना। जैसे 33 सही 1/3 का भिन्नात्मक मान तो 1/3, 25% का भिन्नात्मक मान तो 1/4, 10% का भिन्नात्मक मान तो 1/10। तो कुछ ऐसे प्रश्न आप लोग करके याद रखिएगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे चलते हैं, एक आध दो प्रश्न इससे और करते हैं। जैसे कहा जाए प्रश्न ये है कि 28 सही 4/7% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो चलिए, तो ये 28 सही 4/7 है और परसेंट लगा है इसके साथ। तो अभी इसके पहले हमने बताया कि भाई इसका गुणा कर दो पहले, तो देखिए आप लोग गुणा उड़ा कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि 28 7 या 7 28 में 196 चार जोड़ा तो ये 200 200/7 ये परसेंट लगा है। फिर अभी पिछले जैसा सवाल बना था तो भाई नीचे 100 से गुणा कर दो, या 200/7 × 100, यहाँ से 0 0 0 0 से गायब हुआ, क्या बचा 2/7। हम कह सकते हैं कि 28 सही 4/7 28 सही 4/7% का भिन्नात्मक मान क्या होगा 2/7। इसके बाद कुछ रिजल्ट हैं जिसको आप याद रखिएगा, जैसे मैं 2 4 6 लिख देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों चलेगा। जैसे कहा जाए कि 10% बराबर तो 1/10, कह सकते हैं कि 10% का भिन्नात्मक मान तो 1/10, या कहा जाए 1/10 कितने परसेंट के बराबर है तो भाई 10% की, कहा जाए 20% बराबर तो कहोगे 1/5, 30% बराबर तो 3/10, 25% बराबर तो 1/4, 28 सही 4/7% बराबर कहोगे 2/7, कहोगे 33 सही 1/3% बराबर तो 1/3, कहोगे 66 सही 2/3% बराबर तो 2/3। तो कम से कम आप इतने रिजल्ट को याद रखिएगा। देखिए इसमें दो टाइप के बनेंगे, कहा जाए भाई 2/7 को परसेंट में बदलिए तो इतना आएगा, 1/3 को परसेंट में बदलिए तो इतना, 2/3 को उल्टा क्या कहेंगे, कहेंगे 28 सही 4/7% बराबर 2/7 डायरेक्ट।
तो कुछ रिजल्ट हैं ये, हालांकि आप घर पे प्रयास करके और रिजल्ट बना सकते हैं, तो हमने थोड़ा ही बनाया है। जैसे कहा जाए कि एक आता है 16 सही 2/3%, तो भाई ये बराबर होता है 1/6 की, कितने के बराबर होता है 1/6 के, तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी एक रिजल्ट है। तो बहुत सारा रिजल्ट है, आप याद रखिएगा। तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम। देखिए हम बढ़ाएंगे तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट, और सब कोई एक दूसरे से रिलेटिव होगा, ना इधर ना उधर। पिछला अगला वाला टॉपिक पिछले वाले से पूरी तरह से रिलेट करके ही बताएंगे। तो जैसे हमने ये दो पॉइंट केवल जाना हुआ है, छोटा सा शुरुआत है, तो हमें पढ़ना है जो अब वो पढ़ना है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है, यहाँ से आपका खेल शुरू होता है। आपका खेल मतलब परसेंट का खेल, तो आप लोग परसेंट परसेंट खेलिएगा खूब, बिना खेले आप लोग नहीं कर सकते हो। खेलने का मतलब ये है कि प्रयास करिए, खूब लगाइए, नहीं आता है कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। आप मैसेज भी कर सकते हो, नहीं लगता है सवाल तो आपको रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, तो पहले इसके कुछ सिंपल से सवाल आपको बता दिए जाए, सिंपल से सवाल आपको बता दिए जाए। जैसे कहा जाए कि एक संख्या है, प्रश्न ये बनता है कि एक संख्या मान लेते हैं 15,000 है, एक संख्या 15,000 है, तो इसके 20% का मान बताइए, इसके 20% का मान बताइए। देखिए कुछ करना नहीं है यार, ये सिंपल है, सोल्यूशन इसका बहुत आसान है। संख्या क्या दे रखा है, संख्या भाई दे रखा है 15,000। अब देखिए इसके 20% का मान बताना है, कितने का, 20%। तो जब कभी इस टाइप का प्रश्न आए कि संख्या इतना है, इसके 20%, 25%, 30%, 40%, कुछ भी पूछ ले, अगर हमें उसका मान बताना हो, तो देखिए 20% है तो कहेंगे 20%, और याद रखिएगा कि 15,000 गुणे 20% है, तो 20%, अब या तो आप 20% का 1/5 लिखिए, या परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, या एक आप और रूल लगा सकते हो कि 1% बराबर 1/100, तो 20% बराबर 20/100, ये लॉजिक भी आप लगा सकते हो। बाकी तो कैलकुलेशन करना, देखो 1, 2, 1, 2, तो 15 × 30 और ये 2 0 ये, तो आया 3,000, यानी उसके 20% का मान क्या है, कितना, 3,000। इसी प्रकार दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे कहा जाए कि एक संख्या, हाँ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। जैसे कहा जाए कि एक संख्या 54,000 है, कितना है, 54,000 है, तो इस संख्या के, तो इसके 33 सही 1/3% का मान बताइए, इस संख्या के 33 सही 1/3% के मान बताइए। देखिए कुछ करना नहीं है, संख्या कितना है, 54,000, कितने का मान चाहिए, 33 सही 1/3%, तो 54,000 गुणे 33 सही 1/3 को लिख सकते हो आप, 100/3,
परसेंट को हटाओगे तो नीचे 100 लिख दो, ये 100 से 100 खत्म, तो 54,000 गुणे 1/3, तो 54,000 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 18,000। तो कितना आएगा? 18,000। तो कभी इस टाइप का अगर प्रश्न आपसे पूछता है तो यही करना है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो आगे आता है, जो एग्ज़ाम में आता है वो आपको बताया जाए, ये तो बेस है। तो चलिए जैसे प्रश्न क्या आता है, कहा जाए एक संख्या के 20% का मान, 20% का मान 1200 है। एक संख्या के 20% का मान 1200 है तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए। देखिए अब भाई इसको लगाने का कई तरीका है, क्या चीज लगाने का कई तरीका है, तो थोड़ा सा आपको मैं समझाऊंगा इसको, दो तरीके से बताऊंगा, एक बताऊंगा एकिक नियम से, फिर दूसरा डायरेक्ट बताऊंगा। क्लियर? एक बताऊंगा एकिक नियम से, दूसरा डायरेक्ट। तो आप लोग एकिक नियम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एकिक नियम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकी वो वाला तो आप लगा ही सकते हो। जैसे एकिक नियम से पहले बताते हैं, बाई यूनिटरी मेथड बोला है कि एक संख्या के 20% का मान कितना है भाई? 1200। तो ध्यान देना कि संख्या के 20% का मान है 1200। कितना? 1200। तो यहाँ पर हम एकिक नियम लगाएंगे, तो एकिक नियम कहता है भैया कि पहले एक का मान बताइए, कितने का? एक का मान बताइए। तो एक का मान मतलब ये है कि यहाँ जो 20% है तो 1200, तो जब भी एक का मान पूछा जाए, एक का मान मतलब 1%। कितना? 1%। तो ध्यान दीजिएगा कि जब 20% का मान 1200 है तो 1% का मान बराबर ये यहाँ पर जो भी संख्या रहती है उसका ले जाके भाग कर देते हैं इधर वाली संख्या में, तो ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 0 0 से गया, 120 का आधा 60, या 2 से भाग देंगे, 2 6 12, ये 0, 1% की वैल्यू कितनी आई? 60। ध्यान दीजिएगा जो बोला है उसको लिख देंगे, यहाँ से 1% निकालेंगे, यहाँ वाली वैल्यू के यहाँ भाग दे देंगे तो 1% का मान आ जाएगा। अब हमसे पूछा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर परसेंट या परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम 100 का ही खेल लेकर चलेंगे, हमें 100 से ही खेलना कूदना है। कितने से? 100 से। और 100 का मतलब क्या है? अब यहाँ 100 का मतलब यही भाई, एक संख्या है वो 20% का मान दिया है, वह संख्या बताइए। तो आप एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा कि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी चीज़ें 100% होती है। कितनी? 100%। तो याद रखिएगा हमेशा कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, वो अपने आप में 100% होगा। जैसे बड़ा पेड़ है तो भी 100%, छोटा पेड़ है तो भी 100%। कोई भी चीज़ छोटा हो या बड़ा हो वो अपने आप में 100% होगा। तो यहाँ भी संख्या ज़्यादा कम है तो संख्या तो अपने आप में 100% होगी। तो यहाँ देखिए, चाहे आप कह दें कि माना संख्या बराबर 100%, माना संख्या बराबर 100%, तो 1% निकाल लिया, हम कहेंगे संख्या बराबर, तो संख्या 100% है तो 100 गुणे, जब 1% की वैल्यू 60 तो 100% की वैल्यू 100 गुणे 60, गुणा कर देंगे तो वह आ जाएगा 6000, यानी वो संख्या क्या थी? 6000। क्लियर? दूसरा डायरेक्ट मेथड क्या है? देखिए हम कहेंगे कि माना संख्या, माना संख्या एक्स वाई जेड के कुछ भी है, हमने मान लिया कि माना संख्या के है। ध्यान दीजिएगा अब ये संख्या के है तो के कितने परसेंट का मान दिया है भाई? 20% का। तो कहेंगे कि संख्या के 20% यानी 20/100 का मान क्या दे रखा है? 1200। क्या दे रखा है? 1200। हमने कर दिया भाई क्रॉस, गुणा करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, कहोगे के बराबर ये 100 का गुणा 20 का भाग,
कहोगे 1200 गुणे 100 हो गया, और ये इधर आया तो भाग तो 20। अब चाहे जिससे काट दो, 20 छक्का 120, ये 0 बचा 60। कहोगे k बराबर 60 गुणे 100, और गुणा करने पर ये 6000 प्राप्त होगा। देखिए दोनों से आंसर वही आएगा। थोड़ा सा लग रहा है यार ये इससे जल्दी आएगा, इससे लेट आएगा, लेकिन आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिएगा भाई, क्योंकि इसका यूज बहुत है, आगे बहुत बार यूज किया, प्रयोग किया जाएगा ये। तो चलिए एक प्रश्न हो गया, नोट के लिए फिर अगला प्रश्न बताते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यही है कि एक संख्या, सॉरी यहां पर होना चाहिए, अगर पिछले प्रश्न में नहीं था तो आप मान लीजिए एक संख्या के 35% का मान 14000 है। बोला है एक संख्या के 35% का मान 14000 है, तो वह संख्या बताइए। पिछली सवाल में अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, आप लोग समझ लीजिएगा वो संख्या था, ठीक। तो बोला है कि 35% का मान 14000 है, तो चलिए हम आपको दोनों तरीके से फिर बताते हैं। तो पहले एक ही नियम से हम कहेंगे कि माना संख्या बराबर ये 100%। अब बोला है कि 35% का मान कितना है, 14000। कितने, 14000। तो 1% बराबर 14000 बटा 35, और काटेंगे तो 35 चौके 140, ये 400 आ गया। यानी 1% की वैल्यू आई 400, और हमसे पूछ क्या रखा है, वह संख्या बताइए। तो वह संख्या अपने आप में कितना, 100%। हम कहेंगे संख्या बराबर 100%, 1% की वैल्यू 400, तो 100% की 100 गुणे 400 गुणा करेंगे तो ये 40000 रुपया आएगा। चलिए रुपया नहीं, मान दिया है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा तरीका, हम कहेंगे कि माना संख्या के, तो कहेंगे कि के कितना परसेंट है, 35% का मान कितना दे रखा है भाई, 14000। तो यहाँ से काट पीट मचा देंगे, क्रास गुणा करेंगे, 14000 गुणे 100 बटा 35, तो 35 चौके 140, के बराबर 400 गुणे 100 बराबर 40000। यानी दोनों से आंसर वही आया, 40000 ही। तो कहने का मतलब कि इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाता है तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए ये कहता है कि भाई एक संख्या के 35% का मान इतना है, तो उस संख्या के 70% का मान बताइए, 80% का मान बताइए, 85% का मान बताइए, 200% का मान बताइए। तो कभी इस टाइप का प्रश्न आए तो हालांकि यहाँ लगाने में समस्या होती है, इससे लगाने में समस्या होती है, आप इससे तुरंत लगा सकते हो। देखिए कैसे, अगला एक प्रश्न लिखा जाए। जैसे कहा जाए कि एक संख्या के 26% का मान 7800 है, चलिए है नहीं हो, तो उस संख्या के 80% का मान बताइए। प्रश्न ये है कि एक संख्या के 26% का मान 7800 है, तो उस संख्या के 80% का मान है बताइए। देखिए यहाँ पर आप हमेशा एकिक नियम का ही प्रयोग करोगे, हालांकि एक चीज जान लीजिए कि आपका इसी में एकिक नियम भी रिवाइज हो रहा है,
आपके सिलेबस में एकिक नियम है तो यहीं पर हो रहा है भाई, एक का मान निकालना ही एकिक नियम कहलाता है। कितने का? एक का मान निकालना ही एकिक नियम कहलाता है। तो कुछ करना नहीं है, हम कहेंगे 26%, तो कहोगे जो, और एक चीज जानिएगा, जो दिया है वहीं से रिलेट करेंगे। बोला कि एक संख्या के 26% का मान कितना है, 7800, तो हम कहेंगे 26% बराबर है 7800 के, 1% निकालेंगे तो ये 7800 बटा 26, तो काटेंगे तो 26 3 78 300, 1% की वैल्यू कितनी आई, 300। और देखिए अब इस बार हमसे संख्या नहीं पूछा है, इस बार हमसे संख्या नहीं पूछा है, इस बार हमसे पूछा है कि संख्या के 80% का मान बताइए। जो पूछा होगा वही लगाएंगे, जो पूछा होगा वही करेंगे। तो अतः कहेंगे, अतः 80% बराबर, जब 1% 300 के बराबर है तो 80% 80 × 300, तो गुणा करेंगे आएगा 24,000। कितना आएगा? 24,000। देखिए आप दूसरे तरीके से लगा सकते हो, हाँ क्यों नहीं लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी समस्या होगी भाई, दो बार काम करना पड़ेगा। जैसे बता देता हूँ, हम पहले कहेंगे कि माना संख्या के है, माना संख्या के, तो कहेंगे के कितने परसेंट का मान दिया है, 26, तो कहेंगे 26/100 बराबर ये 7800, तो के बराबर निकालेंगे तो आएगा 100 × 7800, भाई 100 का इधर भाग हो जाएगा, काट देंगे 26 3 78 300 × 100, तो कहोगे भाई ये कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 1 2 3 4, 400 लग जाएगा। तो ये संख्या आई, लेकिन हमसे संख्या थोड़ी नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि उसके 80% का मान बताइए, तो कहेंगे अतः संख्या का 80%, कहोगे 80% बराबर, कहोगे के का 80%, के का 80%, के कितना है, 30,000, के मतलब संख्या, तो कहोगे 30,000 × 80/100, 1 2 1 2, तो गुणा करोगे 8 3 24 के बाद 300 लगा दो, 24,000 आएगा। कितना आएगा, 24,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन था साइड में, यदि हो गया होगा तो आप मेज़र कर लीजिएगा, वही है, अगर नहीं क्लियर हो पा रहा तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो के कितना दे रखा था, 30,000 × 80% यानी 80/100, 1 2 1 2, तो गुणा करेंगे 8 3 24, ये आ जाएगा 24,000 रुपये। कितना आएगा, अगर रुपया तो रुपया, जो भी बोलेगा वही हम लिख देंगे। तो हमने एक इस टाइप का प्रश्न भी सीख लिया। अगला दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है, देखिए अगर समझ में आ रहा है तो तभी हाँ वो करिएगा, वैसे नहीं कि मनमाना हम छापे जाए कुछ नहीं आ रहा है, भाई आ रहा है तो कमेंट करिएगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या है, आगे प्रश्न ये है कि एक संख्या के 25% का मान 1200 है तो संख्या के 120% का मान बताइए। कुछ करना नहीं है यार, जैसे करते हो आप कर दो, 25% का मान कितना दिया है, 12,000, कहोगे 25% बराबर है 12,000 के, 1% बराबर होगा 12,000/25, और कटपिट मचाएंगे यहीं, तो 25 × 1 = 25, 25 × 100 बचा 20, 0 उतारा तो आ गया ये 20 बचा था, 25 × 8 ये 0, 1% बराबर 480। आप लोग थोड़ा सा कटपिट कर लीजिएगा, जो आएगा सो सही है। अब इसके बाद 1% की वैल्यू आ गई, हमसे क्या पूछ रखा भाई, 120% का मान, तो कहेंगे अतः 120% बराबर, अतः 120% बराबर, 1% की वैल्यू 480, तो 120% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 × 480, गुणा करेंगे, देखिए 1 0 2 0 लिख दिया, 2 0 गुणा करेंगे 12 8 96 6 9, 12 4 48 48 9 57, आ जाएगा 57,600, यानी वो संख्या बराबर थी किसके, 57,600 के बराबर थी। कितने के बराबर है, 57,600 के। तो इसी तरह से हमने परसेंटेज का एक बेसिक सा पार्ट केवल क्लियर किया हुआ है, क्या एक बेसिक सा पार्ट है जो संख्याओं पर आधारित है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है।
भले लगने में लगे यार छोटा है आसान है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसके आप जाने आगे के प्रश्न नहीं लगा सकते, क्योंकि बार बार इन्हीं सब का प्रयोग होगा, एक एक नियम का बार बार प्रयोग होगा। तो हमें अच्छा लगा भाई यही बता दिया जाए, क्लियर हो जाए, एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आगे के प्रश्न लगाने में भी आसानी हो जाएगी। तो ठीक, तो देखिए अगला जो हम पढ़ाएंगे वो परसेंटेज तो चलेगा, अभी कई दिन आपका परसेंटेज चलेगा। जो अगला टॉपिक इसका होगा वो होगा प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्या? प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ओके, थैंक यू।